केवल आंखों में उनकी आंचल लगाना बाकी था, काजल लगाती ना बताए, काजल केवल काजल लगाना बाकी था। इतने में कृष्ण ने बंसुरी बजाए, बंसी ध्वनि सुनकर राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन गई। अभी दीवानी में पागल बन गई राधा रानी, भागते भागते आई। जब भागते भागते आई, इतने में कृष्ण राधा रानी को दर्शन किया, दर्शन किया तो देखा सारे श्रृंगार राधा रानी के पूरी है, लेकिन एक श्रृंगार बाकी रह गई थी। कौन सा श्रृंगार? काजल। काजल लगाना, हाँ काजल लगाना। इतने में कृष्ण इसी शिला जो देखा ना, इस शिला के ऊपर कृष्ण बैठे हुए थे, बैठ करके राधा रानी को उन्होंने काजल लगाया। काजल लगाने के बाद अपना जो अंगुल था ना, काजल लग गया। कृष्ण ने इसी शिला के ऊपर में उन्होंने अपना अंगुल को उसमें घीच दिया, घीच दिया तो अभी भी, इसलिए इसका नाम कहते हैं आंजन शिला। अभी भी अगर ये पत्थर को घिसो तो वो काजल का रंग अभी भी आती है, हाँ इसलिए इसका नाम है आंजन शिला। कहते वो आंजन शिला है क्या चीज? कहते जो काजल है ना, रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं राधा रानी जो एक एक जो श्रृंगार धारण करती है, वो एक एक श्रृंगार की अलग अलग महत्व है। बोले क्या महत्व है? जो राधा रानी जो काजल लगाती, वो प्रेम का कौन सा महत्व है? बोले कौटिल्य प्रेम कुटिल। कौटिल्य मतलब कुटिलता है। बोले जो प्रेम का जो रास्ता है कैसे है? कहते अहि रेव गति प्रेम। अहि मतलब होता है सर्प। अब सांप को देखे कि नहीं, जब सांप चलता है ना, वो ऐसे 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 करके सांप चलती है। इसलिए जो प्रेम जो है वो हर समय कुटिलता से गति करती है। इसलिए जो बताया जो परे क्या प्रेम का विशेष करके चार, उसमें विशेष क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र में एक है क्या है? कुटिलता। कुटिलता मतलब क्या है? बाध्यता। मतलब जैसे पति अगर पत्नी से मिलना चाहते, अगर पत्नी मुंह टेढ़ी कर दी, हाँ मुंह टेढ़ी कर दी, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, फिर उसमें क्या, फिर क्या होता है? जो प्रेम बढ़ती है उसमें प्रेम बढ़ती है। इसलिए आप लोग देखना संसार में, संसार तो कर रहे हो सब, तो शादी किए हो, कहीं देखना संसार में कभी कभी ऐसे होता है, जैसे किसी कारण से दो अगर कलश रहेगा तो ठोकर लगता है। ठोकर लगा कि नहीं? कभी ठोकर लगती है। कभी कभी संसार में काम ऐसी बढ़ जाती है, पत्नी कभी मान कर लेती, दो तीन दिन तक बात नहीं, दो तीन दिन तक बात नहीं हुई। आप देखना दो तीन दिन बाद में जो फिर जब बात होती ना, उसमें एक नया आनंद आता है, एक उसमें नया आनंद, क्योंकि इतना दिन तो मिले नहीं ना। इसलिए कहते हैं जो प्रज्ञा प्रेम का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कृष्ण क्यों राधा रानी से मिलने के लिए उत्कंठित है? क्यों? कारण है राधा रानी के अंदर बाम्यता। अगर कृष्ण अगर मिलने आ रहे, कृष्ण राधा रानी मुंह टेढ़ी कर देते, बोले नहीं, कृष्ण मना तो बोले नहीं, बड़े कठिन से जब मिलते हैं फिर वो आनंद अपने आप आता है। इसलिए कहते जो काजल मतलब होता है प्रेम कौटिल्य ही, ये काजलता है राधा रानी की, एक एक श्रृंगार की एक अलग अलग महिमा है। इसलिए इसका नाम आंजन शिला की। इंदु सखी का गौर ब्रह्मानंद है, सखी का गांव है ना, इंदु लेखा। हाँ इसलिए ये जो गांव है ना, ये हर गांव में अलग अलग सखियाँ यहाँ पर सब जन्म ली है। यहाँ पर जो सखियाँ जन्म ली उसका नाम है इंदु लेखा। हाँ इंदु लेखा कहते हैं। जो आठ सखियाँ हैं इनकी सबके सब अलग अलग सब सेवा, अलग अलग इनकी राधा रानी की एक काय बिहोरी एक अलग अलग उदाहरणा की है। इसलिए एक श्लोक में बताए, ताम्बुलम भक्त ललिताम विशाखाम गंध चंदने चामरे चंपक लता इंदु लेखा तो नर्तने। कहते जो इंदु लेखा की सेवा क्या है? इंदु लेखा क्या सेवा करती है? बोली ये नर्तन सेवा करती है, नाचना। जो बड़े सुंदर जो नृत्य है, इंदुलेखा बड़ी सुंदर नृत्य करके प्रिया प्रियतम को ये रिझाती है। इसलिए ये गांव भी इंदुलेखा का भी ये गांव है। इसलिए हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर कीर्तन लिखते हैं ना, बोले वृषभानुपुरे जन्म लैव जावटे विवाह हवे ब्रज गोपी भाव हाइवे स्वभाव अनुभाव ना हाइवे। इसलिए ये भक्तिविनोद ठाकुर का कीर्तन है। क्या कीर्तन है? वो प्रार्थना करते हैं, जब भजन करते करते एक होता है स्वरूप सिद्धि और एक होता है वस्तु सिद्धि। समझ रहे कि नहीं? स्वरूप सिद्धि मतलब क्या है? कहते जितने जीव है ना, हर जीवों को अंदर में एक भाव विद्यमान, नित्य सिद्ध एक विद्यमान, लेकिन वो कैसे प्रकट होता है? तो जब हम भजन करते 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 हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये हरि नाम करते हैं ना, क्या होता है हरि नाम से, बोले चेत दर्पण मार्जन। जितने हम हरि नाम करेंगे हमारे हृदय रूपी शीशा में अनादि काल से भगवान से विमुखता होकर के महिला अन्य बहुत जम गया। कोई कोई बोलते हैं ना, अरे 10 साल हो गया, 20 साल, 50 साल हो गया, अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, माला भी काली पड़ गई अभी तक है, हरि नाम करते करते माला भी और हाथ भी घिस गए, अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है। तब गुरु जी को किसी ने बताया, बोले गुरु जी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। गुरु जी ने पूछा कितना साल से मंदिर में आए हो, बोले 20 साल हो गया। गुरुदेव धन्यता, बोले मैंने गुरुदेव बोले 50 साल से मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तुम बोल रहे हो 20 साल से कुछ नहीं हो रही है। हाँ देखो, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई, देखो एक चीज को समझो। तो गुरुदेव एक भक्त को बोले, बोले देखो एक समय कृष्ण अर्जुन को साथ में जा रहे थे, जाते जाते कृष्ण को सब पता है। इतने में कृष्ण ने कहा, अर्जुन बड़े प्यास लग रहा है, कितना पानी ढूंढोगे। तब उन्होंने गए, देखा तो वहां पर बड़ी सुंदर यमुना बह रही है, बड़ी सुंदर यमुना बह रही है। बाबा बात मत करो, इसलिए बड़ी सुंदर वहां पर यमुना नदी बह रही है। इतने में वहां पर जाकर जो पानी लेने के लिए गए ना, देखा बड़ी सुंदर ये कि प्यारी एकदम चमचमाते हुए, इतनी सुंदर दिव्य रूप धारण करते हुए एक लड़की वहां पर भजन कर रही थी। इतने में पूछा अर्जुन ने, आप कौन हो, यहाँ पर अकेला भजन कर रहे हो। बोले मैं कालिंदी हूँ। मैं कालिंदी। बोले यहाँ पर क्यों भजन कर रहे हो। बोले कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। बोले कितना साल बीत गया। बोले कितने ब्रह्मा चले गए, मतलब अरब खरबों सालों से भजन कर रहा हूँ कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। इतने में सुन करके तो गुरुदेव ने कहा, कालिंदी जैसे राधा रानी की कौन है, एक प्रकाश है, कालिंदी जैसे यमुना है जैसे, वो कृष्ण को पाने के लिए अरब खरब साल से भजन कर रहे हैं और तू 20 साल आकर के तब तो कुछ हुआ है। इसलिए होपलेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते उत्साहात भक्ति में उत्साह, निश्चयात निश्चित रूप में भगवान मिलेंगे, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत्वृत्ति सड़वी भक्ति प्रसिद्ध। जो छह तरह का जो भक्ति प्रसिद्ध, हाँ भक्ति को बढ़ाने वाले। इसलिए कहते यहाँ पर स्वरूप सिद्धि में क्या होता है, हरिनाम करते 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 धीरे धीरे हृदय का हमारी अनर्थ धीरे धीरे नष्ट होता है, हाँ नष्ट होता है। अनर्थ नष्ट होते होते हमारी स्वरूप में जो एक भाव है, इसलिए गुरुदेव कहते वो कब सृष्टि होता है, बोले आसक्ति अवस्था में। कब आसक्ति, पहले तो साधु संग, पहले भजन क्रिया करोगे, फिर सारे अनर्थ निवृत्ति होगा, उसके बाद रुचि निष्ठा, उसको बाद में जब आसक्ति अवस्था होगी, गुरुदेव कहते हैं हमारी अंदर में जो एक दिव्य भाव है उसका अंकुर होता है, उस समय पता चलेगा, उसको पहले नहीं। हमारा हृदय तो अनर्थ अनर्थ भरा पड़ा हुआ है, पता नहीं अनर्थ खटने के लिए कितना जीवन जाएगा। इसलिए कहते उस समय स्वरूप सिद्धि होता है। जो स्वरूप सिद्धि होता है, स्वरूप सिद्धि मतलब अपना हृदय में एक भाव भगवान पर विद्यमान है। अगर गोपी भाव से होगा तो क्या होगा, भक्त विनोद ठाकुर कहते वृष भानुपुरे जन्म लैव, कहाँ पर जन्म होगा। अभी बरसाना छोड़ करके आए ना, ये बरसाना को आस पास में राधा रानी की कोई सखी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेकर के फिर क्या होगा, फिर शादी कहाँ होगी, फिर जाबट, हमारे यहाँ जाबट जाएंगे, शादी जाबट जाएंगे। जब जाबट जाएंगे फिर वहाँ पर जैसे राधा रानी जैसे कृष्ण को प्रेम करती है, सखियाँ जैसे प्रेम करती है, फिर धीरे धीरे जो जो नित्य सिद्ध जो सखियाँ जैसे ललिता विशाखा आदि, ये तो नित्य सिद्ध परिकर, ये रागात्मिका भक्ति, फिर इनको देख 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 करके ना, जैसे आप देखना घर में जैसे बेटा जन्म लेता है, कोई बेटी जन्म लेती है, जब जन्म लेती है ना वो हर चीज़ को देखती है, मेरी मैया को साथ में पिताजी का संबंध कैसे, मैया पिताजी से कैसे व्यवहार करती है, पिता मैया को साथ में, भाई बहन को साथ में, बहन भाई को साथ में, चाचा चाचा चाची को साथ में, इसको देख देख कर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा ना स्वाभाविक रूप में सब चीज़ सीख जाती है। इसलिए जो नित्य सिद्ध जो सखियाँ हैं, जो नहीं जो जन्म लेती हैं, हैं स्वरूप सिद्धि के बाद जन्म, वो देखती हैं ब्रज की गोपियाँ कृष्ण को कैसे प्रेम करती हैं, कृष्ण को कैसे देखती हैं, उसको नित्य सिद्ध उनको संग होता है प्राप्त करने पर, धीरे 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 उनकी जो भाव है ना इनके हृदय में धीरे 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 संक्रामित होता है, हैं संक्रामित तो होता है, फिर कृष्ण को वैसे ही प्रेम करते, कृष्ण को वैसे ही देखते हैं, फिर यहाँ पर फिर भजन। इसलिए ये जो गांव का नाम कौन सा सखी यहाँ पर जन्म लिए, इंदुलेखा, इंदुलेखा, इसलिए इंदुलेखा, इंदुलेखा सेवा किया है
अभी सुना रहे थे ना, हाँ, इंद्र लिखा तो सुदेवी जल सेवायाम, इंद्र लिखा तो नर्तने, कहते राधा जी की एक एक जो भाव है ये एक अलग अलग सबकी हृदय में एक एक भाव प्रकट होता है और वो एक एक कलाम को द्वारा किसको रिझाते हैं, केवल राधा कृष्ण को, और दूसरों को से रिझाते नहीं और किसी को वो रिझाते नहीं, जो कुछ उनकी एक्टिविटी सब के सब राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए। इसलिए ये जो गांव है इंदुलेखा तो नर्तन है, इंदुलेखा के गांव में आए और ये आंजन शिला सुना कि नहीं, कृष्ण जब बंसरी बजाए राधा रानी को गोपियां श्रृंगार कर रही थी, बंसी ध्वनि सुन करके जब भागते भागते आई, देखा राधा रानी का सारे श्रृंगार पूरा है, केवल उनकी आंखों में आंजन नहीं। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना हाथों से आंजन लगाया, आंजन लगा के काजल लगाए और ये जो पत्थर है ऊपर बैठे थे और पत्थर के ऊपर उंगलियों को घिस दिया, घिस दिया तो अभी भी अगर ये पत्थर को घिसो तो क्या रंग निकलता है, आंजन। देखो हम थोड़ा घिसा घिसे सब लोगों को बाहर दिखाएंगे, इसलिए अभी भी उससे आंजन अपने आप काजल रंग आता है। इसलिए ये स्थान भगवान की लीला स्थली है, हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में आए, प्रणाम करो और जल्दी जल्दी चलो।